अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूबर बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है। मैं एक दोस्त को फ़ोन करने लगा हूँ, उसे नहीं पता कि मैं उसकी कार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत दुखी इंसान है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मे भी मैं आपसे उसकी मुलाकात कराऊँ और उसकी मैं रियल जो है ना वो कहानी वो बताऊँ। उसने दो शादियाँ की हुई हैं, तीसरे के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि ये सारी लोकेशन चेंज है। एक्चुअली आज हम अपने घर आए हैं, अपने घर में इनके जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूबर बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खरीद अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले दिखाया था हम लोगों ने कि आज शिकायत करने वालों को पुलाव खिला दिया है, तो आज भी उसके बाद हम लोग इधर आए हुए हैं रिजवान साहब के अम्मी अबू के घर में, जहाँ पहले रिजवान रहता था। इधर तकरीबन हम कोई 10 साल गुजारे हैं इसी घर पे। बिल्कुल, शादी की जो इब्तदाई साल है सारे यहाँ पे गुजारे हैं। अभी हमें उस घर में शिफ्ट हुए 2-3 माह में। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, हो सकते में क्या। चले पहले तो आपको ये बताते हैं ना कि ये रिजवान लोगों का ड्राइंग रूम है, ये रिजवान की अम्मी लोगों का घर है, हमारा जो पुराना घर है उधर आए हुए हम। पहले छत पे थोड़ी सी आपसे शेयर की है, अब नीचे जो है ना मैं इनको कह रही हूँ बनाए, कोई समझ नहीं आ रही इनको क्या व्लॉग बनाना है। नाना भी आज खामोश है, आइडियाज इनको मैंने ही देने होते हैं ना। आइडियाज क्या देने होते हैं आज, तुम क्यों नहीं दे दी आज? ये पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं, ये सकते में चलेगी। सकते में कौन गया? क्यों ये क्या हुआ? ये भी ये काम का सकते? नहीं मतलब मैंने सकते में क्यों जाना था? शार्ट ना पड़े ना, बता नहीं दे क्या क्या करते। तुमने क्या मुंह को बना लिया हुआ है, हमें कुछ बता ही नहीं। कोई हाँ है, मैं मेरी बात सुने, इनको सारे आइडियाज मैंने देने होते हैं। आज मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में आज कोई आइडिया नहीं आ रहा। आज अपना दिमाग इस्तेमाल करें और ये इनका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है। वो इसने खा लिया रज के साथ, तो दिमाग घूम गया हुआ है इसका, काम छोड़ गया। मुझे बोले आप आके आ जाए। ओके भाई, मेरे यूट्यूबर बहन भाइयों, आज तो मैं कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे बोले। ओके भाई, मेरे यूट्यूबर बहन भाइयों, आज तो तंग चला। ओके भाई, मैं आवाज आ रही हूँ। ऊंचा बोल रहे हो? ओके भाई, मेरे यूट्यूबर ऊंची बोले। अब हम इजाजत चाहते हैं क्योंकि पता तो चल नहीं रहा, कोई भी स्पेशल वो व्लॉग मिला नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें पहले सोच विचार करके जो आपको पसंद आए। ये यूं समझेंगे हम घर का ही घर नहीं बैठे हैं, मेरे घर की टॉकिंग शॉपिंग हो रही है और बातें कर रहे हैं। व्लॉग बना के जा रही है जो है ना, वो आपको मजे का लगेगा। घर से बाहर कहीं जाएंगे तो फिर तुम मुझे पता है खिचड़ी ही बनानी है, आज व्लॉग नहीं बन सकता। चलो मैं एक दोस्त को फ़ोन करने लगा हूँ, उसे नहीं पता कि मैं उसकी कार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत दुखी इंसान है, तो उसने दो शादियाँ की हुई हैं, तीसरे के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जूते सुबह शाम पड़ रहे हैं लेकिन वो थकता नहीं जूते खाते, वो ऐसा ढीठ इंसान नहीं हो समझे। तो अभी मैं फ़ोन करता हूँ तो आप सुनिएगा उसकी बात। हेलो, रोना पे हंसना पे? मैं क्या रो रहे हैं या हंस रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, भाई यहो जो बेशुमार लोग ने टोट के कंप्यूटर दे बनाने वाले ते लैपटॉप दे ते असा उसा इन्हों का कोई फायदा नहीं। वीडियो लोग चाहते ने पिंड पिंड टाइप की वीडियो है, ठीक है, जिन्हें दो बुढ़िया की हूँ तीन की उन्होंने जिंदगी के किस्से, ऐसा नहीं चीज़ा लोग पसंद करते हैं। हाँ की कह रहे हैं? हाँ, लोग इंटरटेनमेंट चाहते ने, देखना चाहते ने कि किड़ा खुश है, किड़ा अपनी बुढ़िया को जुतियाँ खाता पे कि मैं ऐसा दी वीडियो पसंद करते ने। तेरी पर तेरी ऐसा नहीं ना, वो बंदा सामने बैठे दा होए ते आंसू बहांदा होए के दसे के जी मैनू एक बुढ़ी को
सवेरे छित्र पैंदे ने उदों उठना दूजे कोल जाना उदों दुपहरी ही पैंदे ने उदों उठना राती तीसरे कोल पैंदे ने नहीं चलो मैं वो लिंक मैं दोस्तों अपने यूट्यूबर भैन भाइयों को दस दिना कि मैं अपने दोस्त इंशाल्लाह जल्द तुहानू मिलावांगा तो इंशाल्लाह उहदी जिंदगी दी आबीती बड़ी बड़ी संगीन पोजिशन ते पहुँच गई दी है मां सवाए जुत्तियां दे उहदे इस टाइम हिस्से च कख भी नहीं पर यार फिर वही गल मैं तुम्हें यही दस रहा ना कि तुम्हें कितने मिले तो अपनी जिंदगी की हकीकी मैंने तो जो भी जिंदगी है वो दस फिर इंशाल्लाह बैठ के शेयर करने अपने भैन भाइयों वास्ते भैन भाइयों नालों तेरे लिए दावत रखा ओहो दावत जिनी बारी मर्जी खा ली मेरे कहने का मतलब है कि तू सामने बैठा हो तो फिर चलो दावत ईद तो कर लें कहना तो हाँ इतने प्रोग्राम बना लेने तो मेरी गल सुनना यार यूट्यूब दे फिर काम करने ही नहीं करना तुम दसना दो रोजाना सुबह वीडियो चाड़ो शामी 5000 भेज देंगे ने उस या 7000 रुपया जिस तरह लोग ज़्यादा देखने उन्ने ज़्यादा पैसे आ जाते हैं हाँ जी तो रोजाना रात को जाके तुसी कैश ले लो जैस कैश तू या फिर टेलनर कैश तू बहुत अच्छा काम है मैं तुम दसना पा जो नानो का विलाग चैनल है उदू असी लखा रुपया कमाया दसी ना किसी नु यार मैं तेन दस रहा मैं मोबाइल ते नहीं समझा सकता कोई होर साड़ी रिकॉर्ड कॉल कर लेगा तो सारी स्ट्रैटेजी सुन लेगा वह बना लग पेगा वह पैसे कमा लग पेगा तू किस दिन मैनू मिल एनू सारी डिटेल तेन समझाना कि किस तरह पैसे कमाए जाते पे मिल तो मैं तेन यही कह रहा मैं हूँ किस टाइम किस दिन तेरे को आवं वीडियो बना सुबह याद ना फोन करी फिर आज सुबह वीडियो बनावे ना तेरा भी चैनल बनावे शामी तू 5-7 हज़ार रुपया तेन आ जाना तू एवं जलील हो रहा मैं गल काम दिन पहले नहीं दस रहा कि लोग कोई साड़ी गल सुन के इस पासे ना आ जाए यूट्यूब दे बहुत ज़्यादा फेमस ना हो जाए हेलो की कह रहे हैं ओ यार सच मैं तुम दसना सच्ची गल है कि आज वीडियो तो नहीं बनाई और नानो दे विलाग का भी 1 लाख रुपया आया था सिया 3000 रुपया अपने वीडियो का ठीक है तो वह ही लैके ईद ईद शॉपिंग करन तुर गए तो फिर टाइम ही नहीं मिले वीडियो बनाने का इसलिए कहना पे सुबह इंशाल्लाह वीडियो बनानी है तो सुबह तेरी मेरी वीडियो होएगी ठीक है ना तेरी जिंदगी दे इंशाल्लाह हाँ पीछे ओ भाभी वो बच्चे ना लगी हुई है देखा आपने बातें सुनी है ये ऐसा इंसान है इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलाएंगे ये इसी तरह ना इस तरह का ही शख्स है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपको इसको बाय फेस आपकी मुलाकात कराएंगे कि ये कैसा बंदा है वो आपसे एज अ फ्रेंड बात कर रहे थे भाई तो आपने उनका मजाक बना दिया नहीं वो भाई जान का लाज है ये मजाक नहीं बना रहा उसकी क्योंकि मैंने वही जिंदगी ऐसी है चलें जो भी है लेकिन प्रैंक कॉल बंदा बता ही देता है नहीं उसे मैंने बताया नहीं उसे अभी देखेगा ना चैनल पे देखेगा फिर मेरे से चीखेगा कि ये क्या किया आपने लेकिन ये हकीकत है मुझे ये होना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ तो फिर मुझे टेंशन हो के यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन क्योंकि मैंने में उसकी ऐसी जिंदगी दोस्त भी कोई अच्छा ही है बेचारा जिसकी टेंशन नहीं है आपको कि कोई वो बोलेगा नहीं वो अच्छा बोलेगा तो नहीं बोलता अच्छा बंदा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ जी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी
इंशाल्लाह इस आज तो कहीं बाहर नहीं गए, नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह बाहर जाके या किसी दोस्त से मुलाकात करके आपको अच्छा व्लॉग बना के इंशाल्लाह बताएंगे। आज तो पूरा दिन घर पे ही रहे हैं तो इसलिए मे भी ये वीडियो इतनी पसंद आए, लेकिन ये कॉल ज़रूर पसंद आएगी ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।